नमस्कार, नीतीज़ कुकिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फिर से एक बार पंजाबी फूड। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी मैंने फूली फूली पतली पतली मक्का की रोटी बनाना बताई थी, और आज हम बनाएंगे सरसों का साग, और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। इसे मैंने मक्के की रोटी के साथ, बटर के साथ सर्व किया है, और ऊपर से तड़का लगाया है देसी घी का। सरसों का साग बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत ही बढ़िया बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सरसों का साग। तो फ्रेंड्स, सरसों का साग बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ले रही हूँ ये सरसों का साग। ये बाज़ार में मिल जाता है, कभी कभी इसमें बहुत ही जो है मोटे डंठल होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, तो थोड़ा सा पतले डंठल वाला हमें सरसों का साग लेना है, कीड़े लगे हुए नहीं हो। यहाँ पे मैं 500 ग्राम सरसों का साग ले रही हूँ, आधा किलो के करीब। इसके डंठल हम काट लेंगे, क्योंकि सरसों का जो साग होता है ना, बहुत ही देर से गलता है ये, तो इसलिए जो इसकी कड़ी कड़ी चीज़ें हैं ये हम हटा देंगे। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे स्पिनच पालक, और ये मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स 250 ग्राम। सर्दियों में पालक बहुत ही अच्छा आता है, गर्मियों में जो आता है ना पालक, वो बहुत ही बड़े बड़े पत्ते वाला होता है, तो सर्दियों का पालक एकदम देशी पालक बहुत ही बढ़िया होता है। इसको देखिए मैंने साफ़ कर लिया है, इसके भी डंठल मैंने तोड़ लिए हैं। और तीसरी चीज़ मैंने लिए ये 250 ग्राम बथुआ, बाथली भी बोलते हैं इसको, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। इसीलिए थोड़ा सा ये जो सरसों का साग होता है ना, थोड़ा मेहनत वाला काम होता है। इसमें हमें सारी वेजिटेबल्स जो हैं साफ़ करनी होती हैं, और अच्छे से इनको धोना होता है। तो ये देखिए बाथली या बथुए को भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो सभी सब्जियों के डंठल मैंने हटा दिए हैं, अच्छे से इनको साफ़ कर लिया है। आधा किलो मैंने यहाँ सरसों का साग लिया था, 250 ग्राम मैंने पालक लिया है, और 250 ग्राम मैंने बथुआ लिया है। ये दोनों मैंने बराबर क्वांटिटी में लिए हैं। अब भगोने में पानी भरा है, और सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन सभी सब्जियों को बहुत ही अच्छे से धोना है। कम से कम इनको 2 या 3 बार आप एक बड़े भगोने में पानी भर के और उसमें डुबा डुबा के धोइए। ऐसे चलनी में या नल की धार के नीचे बिल्कुल मत धोइए, क्योंकि इनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मिट्टी के बिल्कुल सरफेस पर ही उगती हैं सारी सब्जियां, तो इनको बहुत अच्छे से धोना ज़रूरी है, वरना सब्जी का हमारे जब खाएंगे ना, तो मुंह में जो किरकिर सी आती है ना, वो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी मिट्टी निकल रही है इसमें से, तो 3-3 बार कम से कम इनको धोएंगे। अब मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 4 टेबल स्पून लगभग बहुत ही अच्छे से फाइनली चॉप किया हुआ गार्लिक, 4 टेबल स्पून हरी मिर्च, और 4 टेबल स्पून अदरक, तीनों ही चीज़ों को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। अब बारी आती है इन सभी सब्जियों को काटने की, तो बस फिर देख इस बात की है। चलिए सारी सब्जियां काट लेते हैं, कितना टाइम लगता है ये सब्जी को बनाने में, पहले साफ़ करो फिर काटो, अब फिर और टाइम लगेगा। लगभग इसको 1.5 घंटे के आसपास लगता है इस सब्जी को बनाने में, पकने का टाइम बता रही हूँ मैं, प्रिपरेशन टाइम नहीं है ये। तो देखिए मैंने सरसों का साग थोड़ा सा काट लिया है, और ये मैं बाथली मैंने काट ली है, और अब बारी आ गई है पालक की भी। तो इन सभी सब्जियों को काटेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो मेथी भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसलिए यूज़ नहीं करी क्योंकि मेथी का अपना फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है, फिर सरसों के साग का फ्लेवर नहीं आता है। तो देखिए तीनों सब्जियाँ मैंने काट ली हैं। तो लीजिए अब हम ये चॉप की हुई वेजिटेबल्स को एक चौड़ा वाला जो मेरे पास प्रेशर पैन है उसमें मैं डाल दूँगी। इससे क्या सब्जियों को घोटने में आसानी रहती है। 1 कप इसके अंदर पानी मैं ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि सब्जियों में भी बहुत मॉइस्चर होता है। अब ये पानी छोड़ देंगी, थोड़ा सा हम सॉल्ट डाल देंगे। इस तरह के प्रेशर पैन के अंदर डालने से क्या होता है कि हमें दिखता भी रहेगा, और आराम से हम इसको मिक्स करते रहेंगे। अब ये तीनों चीज़ें जो हमने फाइनली चॉप करी हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। खूब सारा लहसुन, बहुत ही अच्छा लगता है इस सरसों के साग में। तो ये देखिए अब इसको हम कवर कर देंगे। ये मेरा थोड़ा सा पैन है जिसमें मैं अच्छे से घोट पाऊँगी, इसलिए मैंने लिया है। इसमें विसिल भी है, तो बस अब इसको कम से कम मैं 3-4 विसिल लगा करके इसको कुक होने दूंगी, क्योंकि सरसों का साग थोड़ा देर से गलता है। तो लीजिए विसिल आ चुकी है, लगभग 3-4 विसिल हम लगाएंगे, और उसके बाद हम इसको ठंडा होने देंगे। इसकी स्टीम निकाल के बिल्कुल ठंडा मत कीजिएगा। तो ये देखिए मेरे इसमें से बिल्कुल अच्छे से स्टीम निकल चुकी है, और अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ ढक्कन को, और अब ये देखिए आप कितना बढ़िया हो चुका है। ये देखिए आप कितना गजब का लग रहा है, इतने बढ़िया फ्लेवर इसमें से निकल रहे हैं, लहसुन और गार्लिक वगैरह जो हमने इसमें डाला है। तो ये देखिए अब मैं इसको, जितना पानी इसके अंदर बचा हुआ है ना फ्रेंड्स, बस इसी पानी में अब इसको हम खुले में पकाएंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये पोटैटो मैशर होता है ना, इससे हम इसको थोड़ा सा मैश करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लेंडर से या मिक्सी के जार में भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में इसको ब्लेंड करने से पहले अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। अब हम इसको धीरे धीरे सिम पे पकने देंगे, बीच बीच में हम इसको फिर से मैश करते रहेंगे, बार बार इसको घोटते रहेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे पक रहा है, सौंधी सौंधी खुशबू आती जाएगी जितना अच्छे से ये धीरे धीरे पकेगा।
थोड़ी थोड़ी देर में अपना काम करते रहिए, बीच बीच में इसको इस तरह से मैश करते रहिए ताकि बहुत ही अच्छे से घुट जाइए। इसका बिल्कुल अच्छे से घुटना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है ये, पर ये कि बहुत अच्छे से घुटेगा तभी आएगा खाने में मज़ा। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना ये। तो अब इसी स्टेज पर हम डाल रहे हैं इसमें 1 टेबल स्पून मक्के का आटा। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, वरना क्या होता है कि पानी पानी सा दिखता है अलग होता हुआ। इससे क्या एकदम बिल्कुल बढ़िया, एकदम ऐसा लगेगा जैसे क्रीमी क्रीमी जैसा। अगर इस तरह से मेरे जैसे आपके भी इसमें से पानी जो है निकल जाए, थोड़ा सा उड़ जाए और सूखा सूखा लगे, तो इसमें पानी और बीच में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इसको और पकाना है अच्छे से, तो पानी इसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से इसकी तय कर सकते हैं कि आपको कितना पतला कितना गाढ़ा ये चाहिए। कितना गजब का लग रहा है, देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ये बहुत ही बढ़िया से पक गया है। तो अब मैं गैस इसकी बंद कर रही हूँ। अब फ्रेंड्स इसको हम छौंकेंगे। छौंकने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे देसी घी। आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर देसी घी की जो खुशबू होती है ना वो तो गजब की होती है। 1/2 टेबल स्पून मैंने हींग डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा सा हींग पक जाए। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप भर के पूरा प्याज, 2 चम्मच हरी मिर्चें चॉप की हुई, और 1 चम्मच पूरा भर के मैंने चॉप्ड गार्लिक लिया है फिर से। तो अब आप सोच रहे होंगे मैं दोबारा से गार्लिक डाल रही हूँ, एक बार तो हम डाल चुके हैं। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो साग होते हैं ना जितने भी सर्दियों के, इनकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है और लहसुन की तासीर होती है थोड़ी गर्म। ये देखिए प्याज हमारा सिक गया है, बातें करते करते लाइट ब्राउन कलर सा आ जाए बस इसका, उतना हमें चाहिए, कच्चा कच्चा नहीं रखना है बिल्कुल भी। तो बस अब बारी आती है हमारा जो ब्लेंड किया हुआ घोटा हुआ हमने अच्छे से सरसों का साग, वो इसमें गया अच्छे से। कितना बढ़िया लग रहा है ये, कितना बढ़िया कलर लग रहा है, और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से और इतना टेस्टी बनने वाला है। यकीन मानिए आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे, इतना अच्छा बनेगा। अब नमक डाल लेते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से, हम पहले भी डाल चुके हैं, और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। आप अगर तीखा नहीं खाते हैं तो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें 2 बार हरी मिर्च भी डाली है, लेकिन ये इतनी नहीं मिर्ची से ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होने वाला, इसलिए इसको ज़रूर डालिएगा। तो अब फ्रेंड्स ये क्योंकि थोड़े से छींटे बाहर निकलेंगे, लगभग इसको मैं 10 मिनट के लिए इसको फिर से पकाऊंगी, लेकिन इसके लिए हमने इसको कवर कर दिया ताकि अच्छे से जितना उछलना है उछल जाए। ये देखिए अब 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, और ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर इसमें आ चुका है, बहुत ही बढ़िया कुक हो चुका है ये, कितना गजब का लग रहा है ये देखिए आप, और कंसिस्टेंसी भी देखिए आप कितनी परफेक्ट है। वो जो मक्के का आटा मिलाया था ना हमने इसके अंदर, उसकी वजह से इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया हो गई है, बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो गई है इसके अंदर, और जो हमने देसी घी डाला है ना इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। आप चाहें तो बटर यूज़ कर सकते हैं, पर तेल यूज़ मत करिएगा। तो चलिए गैस बंद करके और गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं इसको। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सरसों का साग बन करके रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी, एकदम यमी यमी सा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप ज़रूर देखिएगा बना करके इसको घर पे, तो एक बार तड़का और लगाएंगे इसमें। उसके लिए मैं 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे फिर से देसी घी ले रही हूँ, और इस देसी घी में हम डालेंगे 3 साबुत लाल मिर्चें। ऊपर से एक बार तड़का लग जाए ना तो सब्जी का मज़ा ही आ जाता है, चाहे वो दाल हो। तो ये लीजिए हमारा देसी घी का तड़का लग गया इसके अंदर। अब इसमें और भी जान में जान आ गई है, और भी लजीज हो गया है ये देखिए, कितना गजब का लग रहा है ना फ्रेंड्स। तो अब इसको मैं सर्व करती हूँ मक्के की रोटी के साथ, थोड़ा सा गुड़ साथ में, हरी मिर्चें प्याज काट लिए हैं मैंने। और अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मक्के की रोटी वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए अगर आपको इसके साथ बनानी है तो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।